इसके पहले वाले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन पूरा हो चुका था, अभी आपको थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ना है। एक बार सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिए बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपके पास। अभी आपको थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल गार्डन ए बी सी डी। आपके पास स्कूल का गार्डन कैसा है बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका नाम दिया है ए बी सी। लाइन हैव बीन द ड्रॉ विद द चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पॉट्स हैज बीन बी स्पेस एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग ए डी। यानी आपके पास ये ए डी में जो दिए हुआ है बेटा, यहाँ से ए टू वन, वन टू टू, टू टू थ्री, ऐसा जो दिए हुआ है आपको, एक एक मीटर के डिस्टेंस पे ऐसा कितना दिए हुआ, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए एक एक मीटर के डिस्टेंस पे। इन अ फिगर 7.12 नियारी का रन 1/4 द डिस्टेंस ए डी। ए डी का जो भी डिस्टेंस रहेगा उसका 1/4 नियारिका ने ली, बोले 1/4 एंड सेकंड लाइन, और सेकंड लाइन और यहाँ का कितना है बोलते 1/4। फिर सेकंड में बोला एन अ ग्रीन फ्लैग प्रीति रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ए डी। प्रीति ने कितना लिया, 1/5 डिस्टेंस लिया ए डी का। ऑन अ 8th लाइन द स्पॉट्स और रेड फ्लैग कितना दिए हुआ है, बोले 8 पे आपके पास रेड फ्लैग जो दिए हुआ है कितना है 8 और 1/5 है किसका, एडी का डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग, दोनों के फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना ये बताना है आपको। इफ रेशमा हैज़ टू स्पॉट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, इन दोनों का बीच का जो पॉइंट है वहाँ पे बी कौन से कलर का फ्लैग, किसने, रेशमा ने वो फ्लैग रखा है, बोलते कौन से कलर का बताया हुआ है यहाँ पे आपको, ब्लू कलर का। तो क्या बताना है आपको यहाँ पे, वेयर शुड शी स्पॉट द हर फ्लैग आपको, सॉरी बेटा मेरे को थोड़ा सा ये तिरछा होने की वजह से देखने में तकलीफ हो गई इसलिए सॉरी। यानी आपको यहाँ पे क्या दिए हुआ है, निहारिका, रीता और रेशमा, ऐसे तीन स्टूडेंट दिए, निहारिका का पॉइंट दिए हुआ है यहाँ पे आपको सेकंड लाइन और इसका 1/4 एडी का, और उसके बाद में प्रीति का दिए हुआ है 8 लाइन और एडी का 1/5, रेशमा एक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा और डिस्टेंस निकालना है इसका बरोबर मिड पॉइंट जो है वो रेशमा ने वहाँ पे आपके पास क्या बोला, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग ई रेशमा हैज़ और अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, क्या बोले भाई अपने को, ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे मुझे बीच में बरोबर ब्लू फ्लैग उसने लगाया है। तो आपको इस बीच का डिस्टेंस और यहाँ का पॉइंट्स, यहाँ के पॉइंट्स आपको फाइंड करना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ गया होगा बेटा। अब देखो अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगी और फिर इसका ही ग्राफ आपको निकाल के बताऊँगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री आपको क्या दिया हुआ है बेटा, ए बी बी द, मैडम आपने तो हमको एक्स एक्सिस वगैरह बताया नहीं। देखो बेटा मैं आपको ग्राफ ही बना के बता रही हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास क्या गया, ए बी ए और यहाँ का देखो ये ए है, ये बी है, ए बी बी द एक्स एक्सिस है ए, और ये डी है, ए डी बी द वाई एक्सिस है आपके पास। 1/4 बोला तो आपके पास ये पे 225 ये आ गया आपके पास किसका, ग्रीन कलर का फ्लैग, और 8 और 20 ये आ गया रेड कलर का फ्लैग, ब्लू के अपने पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे, ये मिड पॉइंट से, ये सब मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। ये ग्राफ आपको ऐसा बनाना है। अभी अपने पास एक्स एक्सिस पे क्या है, ए बी बी द एक्स एक्सिस एंड ए डी बी द वाई एक्सिस। ए डी बी द क्या है आपके पास, वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और आपके पास क्या आ गया, अ ओरिजिन, यहाँ पे निहारिका के पॉइंट्स लेंगे अपन, क्या बोले भाई, निहारिका रन ऑन अ सेकंड लाइन एंड कवर, आपके पास उसने कवर कितना बताया हुआ है अपने को, 1/4 और किसका, एडी का डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ गया आपके पास 25, तो उसने कवर कितना करी है 25, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 25 मीटर। फिर आपके पास यहाँ पे द एंड
25 मीटर एंड पॉट्स अ ग्रीन फ्लैग पॉट्स अ ग्रीन फ्लैग ओवर देयर। क्या आगे बेटा नियर रिकर रन ऑन अ सेकंड लाइन उसके बाद में एंड कवर 1/4 × 100 मुझे 25 मीटर एंड अपने पास जो उसने पॉट्स रखी है वहाँ पे वो कौन था ग्रीन कलर के फ्लैग का। फिर दूसरा आपको किसका बताया बेटा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग कितना आ जाएगा आपके पास 2/25 कितना आ गया बेटा ग्रीन फ्लैग का 2/25। सेम वैसे ही जैसा अपन ने निहारिका का करे वैसे आपके पास किसका आएगा प्रीत प्रीत रन्स ऑन 8th लाइन एंड कवर्स कितना दिया हुआ है अपने पास 1/5 × 100 कितना आ जाएगा आपके पास 20 मीटर कितना हो गया आपके पास 20 मीटर। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग कितना आ जाएगा आपके पास 8/20 ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट 8/20 का। देखो बेटा मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिए हुआ है 2/25 8/20 ये आपको निकाल के दिए हुआ है। अब आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स निकले उसके बाद में आपको क्या करना है इसका डिस्टेंस निकालना है। तो क्या आएगा अपने पास डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग तो क्या आ जाएगा अपने पास डिस्टेंस डिस्टेंस बोले तो आपके पास क्या आ गया डिस्टेंस इन रेड एंड ग्रीन फ्लैग इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है S2 - S1 इसका होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 इसका होल स्क्वायर। अभी आपके पास ये हो गया X1 Y1 ये हो गया आपके पास X2 Y2। अब अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट में 8 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे आपके पास 6² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 वो भी -5 का स्क्वायर। देखो बेटा ये माइनस दिख रहा है फिर यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 36 + 25 कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 61 मीटर ये हो गया आपके पास का डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस। फिर आपके पास ये जो मिच का पॉइंट यानी मिड पॉइंट जो बोला हुआ है उसका अपने को निकालना है तो क्या आएगा यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग क्या आएंगे आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग आपके बीच में एंड आपको जो बताया जो डिस्टेंस दिया है आपको उसके बीच का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आपने निकालना है और वो क्या है आपके पास मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट है तो आपको पास मिड पॉइंट के इसका फॉर्मूला आएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला है आपके पास इज वन जे एन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा X1 + X2/2 Y1 + Y2/2। अभी यहाँ पे आपके पास X1 कितना दिए हुआ है यहाँ पे यही हो गया बेटा आपके पास X1 Y1 और ये हो गया आपके पास X2 Y2। फिर आपके पास X1 बोले तो कितना हो गया 2 + 8/2 / 25 + 20/2 यहाँ पे हो जाएगा 10/2 बोले तो 5 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 45/2 बोले तो कितना आ जाएगा आपके पास ऐसे ले लो बेटा 45/2 ऐसा भी लिखे तो चलेगा या फिर 22.5 लिखेंगे तो भी चलेगा ये हो गया उसका मिड पॉइंट। यानी आपके पास जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है रेशमा
रेशमा नहीं, रश्मि, रश्मि बेटा, रश्मि शु पॉट अ फ्लैग ऑन फिफ्थ लाइन डिस्टेंस ऑफ कितना दिया हुआ डिस्टेंस 22.5 मीटर। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, ही देख लीजिए पूरा अच्छे से एक लाइन से पढ़ लीजिए। ये हो गया बेटा आज का वीडियो, कल इसके आगे का जो है अपन अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आपको ये एक अलग से वीडियो है, इसका एक अलग से वीडियो है, दोनों भी वीडियो ये आज के ही है। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।